सेबी, हर चैप्टर का मैं एक शॉर्टकट बोलती हूँ, तो इस चैप्टर का है ICDR. सेबी के कौन से रेगुलेशन? ICDR. ICDR मतलब इश्यू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. वापस वापस वापस, चैप्टर का नाम क्या बच्चा? सेबी ICDR. ठीक है, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2018. ठीक है, रेगुलेशन बच्चा पहले पुराना वाला था, 2018 आया, बदलते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं. ठीक है, तो अपडेटेड वर्जन के साथ हम पढ़ें यहाँ पर. वापस चैप्टर का नाम क्या है? सेबी ICDR रेगुलेशन. बच्चा सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो इंट्रोडक्शन में पहले दो बातें बता के रखें. जब भी हम क्या करते हैं बच्चा, एक लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है. ठीक है, आपको बच्चा लिस्ट होना है. कहाँ लिस्ट होना है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो एक्सचेंज है जो कि इंडिया लेवल में अच्छा काम करते हैं बच्चा शेयर्स को लेकर. तो जब भी कंपनी क्या करती है बच्चा, लिस्ट होती है, तो उसे लिस्ट होने के लिए सबसे पहले क्या लाना पड़ता है? IPO. फिर वो बाद में FPO लेकर आता है. तो बच्चा ये पूरा चैप्टर आपको बताएगा कि अगर किसी कंपनी को शेयर इश्यू करना है और फिर जाकर लिस्ट होना है, तो बच्चा उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन. तो सबसे पहले इन्होंने दो चीजें बताई है. एक होता है प्री इश्यू एक्टिविटी. ये पूरा चैप्टर किसके लेकर है बच्चा? इश्यू को लेकर, कि शेयर इश्यू कैसे करना है, शेयर इश्यू करने की एलिजिबिलिटी क्या है. तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि दो टाइप की इश्यू है. एक का नाम क्या बच्चा? प्री इश्यू एक्टिविटी. और दूसरा क्या बच्चा? पोस्ट इश्यू एक्टिविटी. ये प्री और पोस्ट होता क्या है? एक्चुअल में पूरी की पूरी जो प्रोसेस है इश्यू की, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया. पूरी की पूरी जो इश्यू प्रोसेस है कितने पार्ट में डिवाइड है? दो. पहला प्री इश्यू एक्टिविटी, दूसरा पोस्ट इश्यू एक्टिविटी. मतलब काम को, इश्यू के काम को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला प्री, दूसरा है पोस्ट. कहां तक का हम प्री मानते हैं और कहां तक का हम पोस्ट मानते हैं बच्चा, ये पूरे चैप्टर में एक वर्ड बार बार यूज होगा, उस वर्ड को हम देखेंगे. दैट वॉज सब्सक्रिप्शन लिस्ट. क्या होता है बच्चा? सब्सक्रिप्शन लिस्ट. समझना, सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्या होता है बच्चा? एप्लीकेशन होती है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है, सब्सक्राइबर कौन होते हैं? तुम लोग जो शेयर की एप्लीकेशन देते हैं. फिर बच्चा यहाँ पर अलॉटमेंट किया जाता है, अलॉटमेंट किया जाता है, तब जाकर आप सब्सक्राइबर क्या बन जाते हैं बच्चा? मेंबर्स. सब्सक्राइब करने मतलब शेयर लेने आए हैं, तो बच्चा सब्सक्राइबर बोलो या मेंबर्स बोलो. ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि सब्सक्रिप्शन लिस्ट तैयार कर दी. क्या लिस्ट तैयार करी? सब्सक्रिप्शन लिस्ट तैयार होगी. लिस्ट तैयार होगी मतलब कि जितनी भी एप्लीकेशन आई थी, हमने एक लिस्ट तैयार कर दी है. मतलब इन लोगों को हमने शेयर क्या कर दिए? अलॉट. इन लोगों को शेयर क्या कर दिए बच्चा? अलॉट. तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट में उन उन सब्सक्राइबर का नाम होता है जिन्हें क्या दे दिया बच्चा? अलॉटमेंट कर दिया है. ठीक है, अभी हम समझ रहे प्री इश्यू एक्टिविटी और पोस्ट इश्यू एक्टिविटी. वो सब्सक्रिप्शन लिस्ट में आएंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिस्ट तैयार करता है? नहीं. अप्लाई किया है आप लोगों ने, क्या किया? सब्सक्राइब करने के लिए अप्लाई किया है, तो आप लोग एप्लीकेंट कहलाएंगे. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्सक्रिप्शन लिस्ट तैयार करेगा, इन इनको अलॉट करेगा, और बाकी लोगों को पैसे रिफंड, पैसे तो आ जाते हैं ना सबके. लेकिन अब हमने एक SBAB भी प्रोसेस पढ़ी थी, तो लेते ही नहीं है हम, तो पैसे ही ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, चलिए रीड करें. प्री इश्यू और पोस्ट इश्यू समझ रहे. प्री इश्यू एक्टिविटी मतलब क्या? ऑल एक्टिविटी बच्चा, स्टार्टिंग से लेके जो आप प्लानिंग कर रहे हो. मैं कितने का इश्यू लेकर आ रही हूँ? मैं कह रही हूँ मैं 100 करोड़ का इश्यू लेकर आ रही हूँ, 10 करोड़ का लेकर आ रही हूँ, 2 करोड़ का लेकर. मैंने प्लान किया, तो प्री इश्यू एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी होती है जो स्टार्ट होती है हमारी प्लानिंग से, कि कितने का इश्यू लेकर आना है. टिल कब तक बच्चा? जब तक क्या बोल दिया? क्या बोल दिया बच्चा? ओपनिंग. क्या बोल दिया? सब्सक्रिप्शन लिस्ट. मतलब प्री इश्यू एक्टिविटी में वो सारे काम आते हैं जो स्टार्ट कहां से होते हैं बच्चा? प्लानिंग से, कि कंपनी को कितना इश्यू लाना है. और कहां तक रहता है? जब आपने क्या कर दिया? सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन कर दी. क्या बात समझ में? ओपन कर दी मतलब क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया और ओपन कर दिया. और उसके बाद के सारे काम क्या होंगे? पोस्ट इश्यू. इश्यू हो चुका है ना, इश्यू हो चुका है, मैं लेके आई 10 करोड़ का इश्यू लेके आए, आपने एप्लीकेशन दी, यस और नो? एप्लीकेशन दी. अब मैंने सब्सक्रिप्शन लिस्ट दिखा दी आपको, इसे ओपन कर दी कि मैं इतने लोगों को क्या कर रही? अलॉटमेंट. मतलब अलॉटमेंट के बाद के सारे काम क्या होते हैं? पोस्ट. अलॉटमेंट के सारे काम क्या होते हैं बच्चा? पोस्ट. तो इन्हें हम प्री इश्यू एक्टिविटी बोलते हैं. मतलब ऑल एक्टिविटीज सब्सिक्वेंट, किसके बाद बच्चा? ओपनिंग ऑफ दी सब्सक्रिप्शन लिस्ट, ये सब क्या हो जाएंगे? पोस्ट. इन शॉर्ट दो एक्टिविटी होती है, एक होती है प्री, एक होती है पोस्ट. अगर मैं दोनों की डिफरेंस बोलूं,
तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट जब ओपन होती है उससे पहले तक के सब होते हैं प्री, ओपन होने के बाद के सारे काम होते हैं पोस्ट। क्या प्री और पोस्ट समझ में आएगा? आगे चल के ये बार बार चीजें आएंगी तो उस वर्ड से आपको समझ में आ जाना चाहिए। बच्चा यहाँ पे इन्होंने कहा ये रेगुलेशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, पूरी हिस्ट्री दे रखी है, कोई मतलब की नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ना आपको रीड करने, उसको पूरा क्रॉस कर देंगे, सारी चीजें हटा देंगे। इन्होंने बोला आईसीडीआर की कुछ कमिटीज थी, कमिटीज बच्चा कोई भी रूल रेगुलेशन बनता है तो कमिटी तो बनती है, पूरी हिस्ट्री बना के रखी है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री है बच्चा। चले अब यहां उन्होंने क्या बोल दिया, रेगुलेशन कौन सा है, रेगुलेशन नंबर 2018, चैप्टर नाम कैसे भी रेगुलेशन 2018, मतलब 18 में आया है, इससे पहले दूसरा था, बदलता रहता है। इन्होंने यहाँ पे नाम दे रखा है, इन्होंने यहाँ पे नाम दे रखे, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, सीधा जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो पता चलता जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग क्या बच्चा, टाइप ऑफ इश्यू। चलिए अब कंपनी इशू करना चाहती है, कंपनी इशू करना चाहती है, कंपनी के पास ऑप्शन है, ठीक है, ये पूरा सर्कल में दे रखा है टाइप ऑफ इश्यू, पहले हम अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ समझते हैं फिर देखेंगे। चलिए सब स्क्रीन में देखेंगे, टाइप ऑफ इश्यू की बात करें तो पहला टाइप क्या है, पब्लिक इश्यू, पहला टाइप क्या है, पब्लिक इश्यू, दूसरा टाइप क्या है, राइट इश्यू, तीसरा टाइप क्या है, बोनस इश्यू, और चौथा टाइप क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। कितने टाइप के इश्यू है, चार। कितने टाइप के इश्यू है, चार, वन बाय वन समझेंगे। पब्लिक इश्यू मतलब क्या, जो जनता को दे रहे हैं। अब जनता को हम क्या देते हैं, आईपीओ भी देते हैं और एफपीओ भी, आईपीओ भी देते हैं और एफपीओ भी। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर, कंपनी जब पहली बार जनता को देती है उसे हम आईपीओ बोलते हैं। एक बार दे दिया, बार बार देंगे हमेशा उसको क्या बोलेंगे, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। बात समझ में आ गई, सबसे पहले टाइप क्या पढ़ रहे, पब्लिक, पब्लिक को हम आईपीओ पहली बार और उसके बाद वाला हमेशा एफपीओ। बच्चा आईपीओ के अंदर की बात हो रही है, फ्रेश इश्यू मतलब एकदम फ्रेश शेयर है, प्रिंट करा के दे रहे हो, मेरे पास 10 करोड़ ऑलरेडी है, मेरे पास मेरी कंपनी ने पहले से ही 10 करोड़ कर रखे हैं, अब मैं कह रहा हूं मुझे 5 करोड़ की और जरूरत है, मैं एकदम फ्रेश शेयर प्रिंट करके दे रही हूँ, ठीक है, मैं कह रही हूँ मैं 5 करोड़ का इश्यू लेकर आ रही हूँ, 5 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही हूँ, कितने का, 5 करोड़ का, तो फ्रेश इश्यू। लेकिन मेरी कंपनी में कुछ प्रमोटर्स है, मेरी कंपनी में कुछ प्रमोटर्स है, 10 करोड़ ऑलरेडी है ना हमारे पास, हमारे पास हम सब क्या है बच्चा समझ ले, पब्लिक कंपनी, हमारी हमारी पब्लिक कंपनी है, हम पहली बार क्या लेके आ रहे हैं, आईपीओ, हम सबके पास मिलाकर कितना है, 10 करोड़ है, हमें 5 करोड़ की और जरूरत है, तो हमने क्या सोचा क्या लेकर आएंगे, आईपीओ, हमने क्या सोचा हम क्या लेके आएंगे, आईपीओ। बात समझना, मैं आईपीओ लेकर आ रही हूं, तो ये 5 करोड़ का आईपीओ आएगा, तो ये फ्रेश इश्यू से मतलब क्या है, ये 5 करोड़। लेकिन मेरे इस 10 करोड़ में से एक प्रमोटर था जिसके पास 7 करोड़ थे, जिसके पास क्या थे बच्चा, 7 करोड़ बच्चा, और अदर के पास कितने थे, 3 करोड़ बच्चा। इस 10 करोड़ में से प्रमोटर के पास 7 करोड़ थे, और प्रमोटर कह रहे मुझे अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी सी कम करनी, मुझे अपने शेयर्स बेचने, लेकिन मुझे अपने शेयर्स किसको बेचने हैं, पब्लिक को, मुझे अपने शेयर्स किसको बेचने हैं, पब्लिक को। कंपनी के पास ऑलरेडी कितना पैसा है, 10 करोड़ है, उसे जरूरत कितने की है, 5 करोड़ की, 5 करोड़ उसे चाहिए, मतलब वो पब्लिक को इश्यू करिए, पूरा 5 करोड़ किसको मिलेगा, कंपनी को। लेकिन इस 10 करोड़ में से 7 करोड़ का जो प्रमोटर है कह रहे मैं 2 करोड़ ना, मैं अपना 2 करोड़ ना जनता को बेचना चाहता हूँ, 2 करोड़ किसको देना चाहता हूँ, जनता को। बच्चा तो यहां पर जो ये 2 करोड़ है ये सेकंड हैंड शेयर नहीं लग रहे तुम लोग को, सेकंड हैंड शेयर नहीं लग रहे, प्रमोटर के पास तो था, प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग कम कर रहा है, मतलब अगर ये 2 करोड़ वो जनता को बेच रहा है तो ये पैसा प्रमोटर के पास आएगा कि कंपनी के पास, प्रमोटर के पास, प्रमोटर अपने शेयर बेच रहा है ना, प्रमोटर चाहे तो अपने शेयर किसी को बेच सकता है, पब्लिक कंपनी का प्रमोटर है ना, जिसको बेचना बेचे, लेकिन उसने किसको डिसाइड किया बेचने का, जनता को, और उसने डिसाइड किया मैं आईपीओ के साथ बेचूंगा, उसने क्या डिसाइड किया मैं आईपीओ के साथ बेचूंगा, तो उसने ये बोला कि कंपनी 5 करोड़ का फ्रेश लेके आ रही है, 5 करोड़ के पैसे की जरूरत है, फ्रेश लेके आ रही है, मतलब ये शेयर जनता को मिलेगा और पैसा किसको मिलेगा, कंपनी को, और 2 करोड़ ये फ्रेश नहीं है, इनको बोला जाता है ऑफर फॉर सेल, सेकेंड हैंड शेयर होते हैं, ये पैसा ये शेयर प्रमोटर के, प्रमोटर अपने शेयर जनता को बेच रहा है, लेकिन ये पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा, ये पैसा उस प्रमोटर को मिलेगा वो अपनी शेयर होल्डिंग कम कर रहा है। क्या ये 10 करोड़ कम हो जाएगा, 10 करोड़ तो 10 करोड़ ही रहेगा, क्या 10 करोड़ 10 करोड़ ही रहेगा, उसने बोला 7 करोड़ किसका था, प्रमोटर, प्रमोटर ने 7 करोड़ में से अपने 2 करोड़ कम कर दिए, कितने हो गए बच्चा, 5 हो गए, उसके 5 हो गए, अब वो कह रहा है 2 करोड़ मुझे दे दो, मैं
अपने घर पैसे लेकर जाऊंगा, कंपनी का नहीं, मतलब कंपनी को पैसे बस कितने मिलेंगे 5 करोड़। आईपीओ में, आईपीओ में क्या दिख रहा है, 5 करोड़ भी दिख रहा है और बच्चा 2 करोड़, लेकिन आईपीओ आपको कितने के दिख रहा है, 7 करोड़ का। आईपीओ कितने के दिख रहा है, 7 करोड़ का। तो कंपनी का आईपीओ होता है 7 करोड़ का। जब कभी भी किसी की कंपनी का आएगा, जो कि मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, आए दिन जो आईपीओ आते रहते हैं, उसको जरा अच्छे से रीड करना, बींग अ सीएस आपको समझ में आएगा कि पूरे 7 करोड़ फ्रेश इश्यू नहीं है। इसमें दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक होता है फ्रेश और एक होता है पुराना। उस पुराने को हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। क्या बात समझ में आई? प्रैक्टिकली एक आईपीओ मैं दिखाऊंगी आपको, रीड करना सिखाऊंगी। बात समझ में आ गई? सब समझ में आ जाएगा जैसे ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, तो सबसे पहला इशू का टाइप क्या है बच्चा? पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में सबसे पहले क्या है? आईपीओ। इन्होंने कहा आईपीओ में भैया फ्रेश शेयर भी होते हैं और सेकेंड हैंड भी होते हैं। वो सेकेंड हैंड क्या होते हैं? ऑफर फॉर सेल। जहां कहीं भी ऑफर फॉर सेल आएगा तो समझ जाएंगे ये कंपनी के पुराने शेयर होल्डर है, अपने शेयर पब्लिक को दे रहे हैं। वो चाहे तो पब्लिक को ना दे, किसी दूसरे को बेच दे, उनकी मर्जी, लेकिन उन्होंने सोचा कि पब्लिक को दे रहे। जैसे एफपीओ, सॉरी जैसे आईपीओ वैसे ही एफपीओ। इसमें भी क्या होता है? फ्रेश इश्यू होगा और इसमें क्या होता है? ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल समझ में आया, पहला पब्लिक को समझ में आया, राइट इश्यू। अब हमें पब्लिक इश्यू तो समझ में आ गया, नेक्स्ट क्या है? ये क्या टाइप होती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जब भी मीनिंग बताओगे, राइट इश्यू वो इश्यू होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स है उन्हीं को दे रहे। मान लो बच्चा हमारे हमारे 1200 के शेयर होल्डर, 1200 शेयर होल्डर्स थे, काउंटिंग कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर हमारी कंपनी में, 1200, ठीक है। हम कह रहे हैं हमें 5 करोड़ की जरूरत है, मेरे एग्जाम्पल में 10 करोड़ ऑलरेडी थे, 5 करोड़ हम लेकर आ रहे हैं। तो हमने कहा कि भैया नए लोगों को ना देकर हम किसको दे दे, हमारे ऑलरेडी जो 1200 जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उन्हीं को दे देते ना। अगर ये मना करेंगे तो जनता के पास जाएंगे ना, लेकिन जिन्होंने अभी तक हम पे विश्वास दिखाया है तो चलो उनको एक ऑफर देते, उनकी ओनरशिप बढ़ने का मौका मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो इश्यू किया जाता है, दैट वॉज राइट इश्यू। बोनस इश्यू क्या है? वेरी गुड, ये भी एग्जिस्टिंग को ही दिया जा रहा है। ये भी किसको दिया जा रहा है? एग्जिस्टिंग को। लेकिन 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 खुश होकर दिया जा रहा है, बदले में क्या कुछ लेंगे? नहीं, बोनस है। राइट इश्यू में पैसा चाहिए, समझना। नहीं, थोड़ा सा कम रहता है, ज्यादा है। बच्चा हम क्या कह रहे हैं? हमें पैसे की जरूरत है, या तो नए लोगों को अप्रोच करो या तो पुराने को। नए लोग को अप्रोच करोगे तो पब्लिक, पुराने को करोगे तो राइट इश्यू, समझ में आया। बोनस क्या कह रहा है? खुश होकर पुराने को ही दे रहे, मतलब राइट इश्यू बोनस इश्यू दोनों में पुराने को दिया जा रहा है, लेकिन राइट इश्यू में हम पैसे ले रहे हैं, हमें पैसे की जरूरत है। बोनस में हमें पैसे की जरूरत नहीं है। बोनस की और डिटेलिंग में जाएंगे, बोनस एक तरीके का धोखा होता है जो कंपनी अपने शेयरहोल्डर को देती है, वो धोखा एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है। समझ चुके हो क्या धोखा? बस धोखा तो समझ चुके हो तुम लोग, वेरी गुड। बच्चा थर्ड क्या है? थर्ड की बात, फोर्थ क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। किसको दे रहे? जनता को नहीं दे रहे, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को दे रहे, कुछ सिलेक्टेड लोगों को, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को सिलेक्ट कर दिया, भैया तुम पैसा दो, है ना। इसमें QIP ये सब आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक बातें समझ में आई? पहले मुझे बताओ, हाँ बता रही यहाँ साथ रुको। टाइप ऑफ इश्यू कितने इशू हो गए? कितने इशू हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा। पब्लिक इशू मतलब जनता को, राइट इशू मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, बोनस मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है, और एक तरीके का धोखा, ठीक है। चौथा क्या बोल रहा है? प्राइवेट प्लेसमेंट, सिलेक्टेड लोगों को। चले, पब्लिक में आईपीओ एफपीओ समझ में आ गया, आईपीओ में फ्रेश और ऑफर फॉर सेल सेम, एफपीओ में समझ में आ गया। अब थोड़ा सा प्राइवेट प्लेसमेंट में जाएंगे, थोड़ा सा कहां जाएंगे? प्राइवेट प्लेस, हम प्राइवेटली लोगों को दे रहे। हम क्या दे रहे? प्राइवेटली। प्राइवेटली कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को सिलेक्ट कर दिया, मैंने कहा भैया 50 लोगों को सिलेक्ट किया, मैंने किसे सिलेक्ट किया? 50 लोगों को। 50 लोगों को प्रेफरेंस दे दे कि भैया हम तुमसे, तुमको कह रहे कि तुम आओ हमारी कंपनी में पैसा लगा। क्या बात समझ में आ गई? ये हमेशा वो अमीर लोग होंगे, याद करो चैप्टर 15 पढ़ा था, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पढ़े थे, उनके पास जाकर हम अप्रोच कर लेंगे। क्या बात समझ में आई? हाँ, 50, वेरी गुड। दूसरा क्या लिखा है ये बताओ? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम वर्ड जो लिखा है, इसका मतलब है जब हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, कौन होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर?
लिस्ट पढ़ी थी पूरी। एग्जाम्पल बताओ एक आध, म्यूचुअल फंड आता है? आता है पक्का। और कौन आता है? पेंशन आता है और पोस्ट ऑफिस, ये सब कुछ उसका फंड का एक लिमिट थी, है ना, पीपीएफ फंड, ये सारे सब आ रहे थे। तो पूरी लिस्ट थी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की लिस्ट थी। अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को अप्रोच किया तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम। वापस 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 हम क्या कह रहे हैं? हम किसको अप्रोच करो? या तो इंडिविजुअल किसी को भी अप्रोच करो प्रेफरेंशियल इश्यू, या तो किसको अप्रोच करो? क्यूआईबी को अप्रोच करो। क्यूआईबी को अप्रोच किया तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम। क्या बात समझ में आई? तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम बोला है, लेकिन ये एक्चुअल में दे किसको रहे? क्यूआईबी को ही दे रहे। ये बात समझ में आई? अब एक बार आपकी बुक में आएंगे फटाफट। टाइप ऑफ इश्यू, सबसे पहले क्या लिया? आईपीओ, समझ में आ गया। दूसरा क्या लिखा? एफपीओ, समझ में आया। फिर क्या लिखा? बोनस। फिर क्या लिखा है? राइट इश्यू। फिर क्या लिखा है? प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर ही आता है ना प्रेफरेंशियल इश्यू, इसी के अंदर आता है ना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इन शॉर्ट टाइप चार है। यहाँ दिखने में आपको सात लग रहे हैं, यहाँ दिखने में क्या लग रहे हैं? सात। इन्होंने अंदर की भी कैटेगरीज को ना अलग से पॉइंट बना दिया। तो अगर मैं टाइप ऑफ इश्यू की बात करूं तो हमने जो समझा है, हमारे समझने के हिसाब से पहला पब्लिक है, राइट है, बोनस है, प्राइवेट प्लेसमेंट, और इसी में आईपीओ और एफपीओ जो उन्होंने दो अलग बना दिए, और प्राइवेट प्लेसमेंट में के अंदर भी दो, प्रेफरेंशियल इश्यू और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट को ही बायर को ही देते। यहां तक बात समझ में आई? अब बच्चा मीनिंग समझाया है क्या मुझे बताओ? अच्छे से समझ में आ गया आईपीओ क्या? रीड करके समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं? ये ध्यान थोड़ा सा रखना, ये क्या लिखा है? इन्होंने कहा ऑफर किया जा रहा है सिक्योरिटीज। कौन ऑफर कर रहा है? अनलिस्टेड इशू टू पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ऑफर फॉर सेल। तो समझ में आ गया ना? ऑफर मतलब आईपीओ में दोनों आता है ना, फ्रेश भी आता है, पुराना भी आता है, सेकंड हैंड भी आता है, ऑफर फॉर सेल भी आता है। ये तो समझ में आ गया। दीदी ये अनलिस्टेड क्यों लिखा है? ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वेरी 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 गुड। आईटेक्स कंपनी कह रही भैया मैं पहली बार जनता से शेयर लेने जा रहा हूँ, है ना, शेयर देने जा रहा हूँ उनको फर्स्ट टाइम, तो पहले मैं शेयर दूंगी बाद में लिस्ट दूंगी। हमेशा यही हो रहा था कि हाँ हमेशा शेयर देते थे और एप्लीकेशन देते थे इन प्रिंसिपल अप्रूवल, है ना। बार बार आईपीओ लेके आई हूँ, आईपीओ लेके आई हूँ, तो भैया पहली बार लेके आ रही हूँ ना, तो पहले मैं शेयर आपको दूंगी, तब तक मेरी कंपनी क्या मानी जाएगी? अनलिस्टेड, है ना, देने के बाद में लिस्ट होगी। तो आईपीओ मतलब ऑफर किया गया सिक्योरिटी, लेकिन किसने किया है? अनलिस्टेड इश्यूअर, इश्यूअर मतलब कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी जो पब्लिक को दे रही है सब्सक्रिप्शन करने के लिए, जिसमें ऑफर फॉर सेल भी आता है। बात समझ में आ गई? एफपीओ में लिस्टेड कंपनी होगी या अनलिस्टेड होगी? लिस्टेड, क्योंकि पहली बार कर चुकी है ना, अब तो लिस्ट हो चुकी है। तो ऑफर स्पेसिफाइड बाय, यहाँ क्या लिखा है? लिस्टेड, ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखा है? लिस्टेड। सेम बात है बच्चा, क्या बात समझ में आ गई? आईपीओ एफपीओ में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मतलब आईपीओ वो है जो अनलिस्टेड कंपनी इशू करती है, एफपीओ वो है जो लिस्टेड, क्योंकि एफपीओ मतलब पहले तो आईपीओ आ चुका होता। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, है ना, बस माफ करेंगे बच्चा। और रिकॉर्डेड डेट, रिकॉर्डेड समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि इतने फ्लक्चुएशन है तो हमें एक रिकॉर्डेड डेट चाहिए होगी कि भाई ये ऑफर हम किसको देंगे, हमारे एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर है कौन। तो एक डेट जिसको हम बुक क्लोजर भी बोलते थे, बुक क्लोज कर दी, एक डेट बता दी, उसमें जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होगा वो शेयर करो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये इंडिविजुअल की बात करें, लिस्टेड कंपनी कर रही है किसको? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, इसे हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलो, प्रेफरेंशियल इश्यू बोलो, एक ही बात है, चाहे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर प्रेफरेंशियल इश्यू। क्यों ऐसा बोल रहे बच्चा? यहाँ देखो प्रेफरेंशियल इश्यू लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, एक ही बात है, प्रेफरेंशियल इश्यू बोलो या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, एक ही बात है। इसके बाद ये क्यूआईपी क्या था? जब ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन कौन होते? क्यूआईबी, लिस्टेड एंटिटी ओनली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो इसे हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, मतलब आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी समझे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की लिस्ट है, उनको दिया गया तो प्लेस कर दिया, शेयर्स उनको दे दिया मतलब प्लेस कर दिया ना। वेरी गुड। चलिए बोनस इश्यू, एडिशनल शेयर्स कंपनी किसको देती है? एग्जिस्टिंग को। पहले बताओ टाइप ऑफ इश्यू समझ में आया?
चार, अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज बोलूँ तो चार ही होता है। आप इनको देखो तो ये लोगों ने सेवन की लिस्ट बना के रखी है, अंदर के पॉइंट्स भी दे दिए। तो फटाफट, पहला है पब्लिक, दूसरा, तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर, पहला इश्यू अलॉटमेंट एक ही होता है, और पब्लिक इश्यू में दो, आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ के अंदर फ्रेश और फ्रेश मतलब एकदम नए, और ये क्या है एकदम पुराने। न्यू का पैसा कंपनी के पास, पुराने का पैसा कंपनी के पास क्या, वो शेयर होल्डर जो बेच रहा है। मेरे ने एग्जांपल में प्रमोटर बोला था, कोई भी इन्वेस्टर शेयर होल्डर हो सकता है जो बेच रहा है। क्लियर है? चलिए यहां तक तो हमें चीजें समझ में आई। ये टेबल बना रहे हो तो बना लो बच्चा, फटाफट बना रहे हो क्या, जल्दी से बना लो। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है बच्चा, रेगुलेशन थ्री। बच्चा कौन सा रेगुलेशन पढ़ रहे, सेबी के आईसीडीआर, सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशन। रेगुलेशन नंबर थ्री बोलता है कि भैया ये सेबी के रेगुलेशन किस किस में एप्लीकेबल होंगे। चलो वन बाय वन पढ़े। अगर कोई लिस्टेड, बच्चा लिस्टेड लिखेंगे कि अनलिस्टेड, आईपीओ को लेके क्या लिखेंगे, लिस्टेड कंपनी की अनलिस्टेड, अनलिस्टेड। तो अगर आईपीओ इशू करने वाली कंपनी कौन है बच्चा, अनलिस्टेड। अगर कोई भी कंपनी अनलिस्टेड है, आईपीओ इशू करने वाली है, मतलब लिस्ट होना चाहती है, तो उनको क्या फॉलो करने पड़ेंगे, सेबी के आईसीडीआर। दूसरा क्या लिखा है बच्चा, राइट इशू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चा समझना। इसमें अगर मेरी कंपनी को राइट इशू करना है तो क्या सेबी के आईसीडीआर फॉलो करने पड़ेंगे, हाँ, लेकिन एक कंडीशन है। तो उन्होंने कहा राइट इशू कितने का लेकर आ रहे हो, कितने के लिए कह रहे हो, 50 करोड़ और मोर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चा मैं 10 करोड़ का ला रही हूँ, कितने का ला रही हूँ, 10 करोड़ का। क्या मुझे सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशन जो चैप्टर इतना डिटेल में पढ़ने वाले फॉलो करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम में घुमा फिरा के चीजें पूछी जाएंगी। 30 करोड़ कर रही हूँ तो 40, 50, हाँ 50 कवर हो रहा है, हाँ 51। राइट इशू अगर मैं 50 से कम कर रही हूँ तो बच्चा इतने लंबे चौड़े रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बिना रेगुलेशन फॉलो किए आप इशू कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग है ना, ये वही शोल्डर है। ये पूरा चैप्टर क्यों फॉलो करना है, ये कह रहे नए शोल्डर्स है, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके शोल्डर कौन से पुराने वाले है ना, पुराने वाले है, तो इन्होंने आप पे भरोसा पहले किया है, वो आप पे भरोसा कर रहे हैं। तो अगर कम तक का इश्यू ला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा में यस आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, जो हम बोलेंगे करना पड़ेगा। अब जो भी आगे हम पढ़ेंगे वो सब करना पड़ेगा। थर्ड क्या लिखा है, एफपीओ, एफपीओ लिस्टेड कंपनी के लिए कि अनलिस्टेड, लिस्टेड। तो ये तीन पॉइंट समझ में आ गए। फोर्थ क्या बोलता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, मतलब किसको दे रहे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, प्रेफरेंशियल इशू। बच्चा ये टाइप थे ना प्राइवेट प्लेसमेंट के दो, एक प्रेफरेंशियल इशू और क्यूआईपी। चलिए सिक्स क्या बोलता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर ला रहे, लेकिन लाने वाली कंपनी कौन है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। ये कंपनी इंडिया की थी कि बाहर की थी, बाहर की, एक बाहर की कंपनी हमारी इंडिया में आ गई है और यहां से पैसा उठाना चाहती है, इसे हम इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट बोलते थे। हाँ, इंडियन का मार्केट में वो आएगी और पैसा लेना चाहती है। तो वो क्या लेकर आ रही है, फर्स्ट टाइम लेके आ रही है तो आईपीओ, फर्स्ट टाइम लेके आ रही है तो आईपीओ, और सेकंड टाइम लेके आ रही है तो एफपीओ। बच्चा सेवन पॉइंट, ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब कंपनी कहाँ की है, बाहर की। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब वही जो बाहर की कंपनी होगी, फॉरेन की कंपनी, फॉरेन की कंपनी आईपीओ लेकर आई, समझ में आया। फॉरेन की कंपनी क्या लेके आ रही है, राइट इश्यू लेकर आ रही है, लेकिन राइट इश्यू की कोई लिमिट है क्या, इसमें है क्या, मतलब अगर एक इंडियन कंपनी राइट इशू लेके आ रही है तो आईसीडीआर फॉलो करने के लिए लिमिट क्या होगी, 50 से 50 से ज्यादा। इन्होंने कहा 1 करोड़ का भी लाओगे ना राइट इशू तो भी फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कोई लिमिट नहीं है, करनी ही करनी है। 8 पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चे, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब स्मॉल मीडियम ऐसे में थे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये स्मॉल कंपनी है, इनका अलग से सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज होता था, एसएमई एक्सचेंज। ये भी क्या लेके आ रही है, स्मॉल कंपनी भी अपना आईपीओ लेके आ रही है, आईसीडीआर फॉलो करना पड़ेगा। बच्चा फिर क्या लिखा है, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, कुछ सुनो सुना है। चलिए तो बच्चा 9 पॉइंट क्या बोल रहा है, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म थ्रू इशू या फिर विदाउट एन इशू। तो यहां पर बातें किसकी हो रही है बच्चा, एक अलग से स्टॉक एक्सचेंज था, एक मेन स्टॉक एक्सचेंज था, एक एसएमई एक्सचेंज था, और तीसरा क्या था, इनोवेटिव
ग्रोथ प्लेटफॉर्म अलग से, ये नई नई कंपनी स्टार्टअप कंपनी इनोवेटिव आइडियाज के लिए अलग से एक स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल करा के रखा है, वो अगर लिस्ट होना चाहती है बच्चा तो इनको भी ICDR फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कोई लिस्टेड कंपनी बोनस इश्यू करना चाहती है तो टोटल कितने पॉइंट्स है वापस हम कह रहे हैं सेबी के, ध्यान देना सेबी के कौन से रेगुलेशन, ICDR में अभी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि कौन कंपनी इशू ला सकती है और कौन कंपनी इशू नहीं ला सकती, एलिजिबिलिटी। कोई भी ऐरी गैरी नथु थेरी कंपनी आकर इशू नहीं लाएगी, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड होगा तो हम ये सब करने देंगे, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा तो ये सब करने देंगे नहीं। तो अब इंडियन कंपनी है, लिस्ट होना चाहती है, आईपीओ लेके आ रही है, अच्छी कंपनियों की तभी हम जनता को देने देंगे, जनता को दे रहे हो ना। ये कह रहे भैया बोनस इशू किसको दे रहे हो, एग्जिस्टिंग को ना, तो एग्जिस्टिंग को भी देते वक्त हम देखेंगे तो ना कि भैया आप सारी ट्रांसपेरेंसी रख रहे क्यों रख रहे, बोनस देते जा रहे हो, कंपनी में दम है नहीं और बोनस इशू करने जा रहे हो। तो हम ये सारे रेगुलेशंस आपको फॉलो करवाने के लिए मजबूर करेंगे, आप चाहे वो इंडियन कंपनी हो चाहे वो बाहर की। बात समझ में आ गई? तो किस किस में ICDR रेगुलेशन लगेगा, तो ये पूरे 10 लोगों की लिस्ट है। बात समझ में आई? नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टर्म्स है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उन्होंने कहा कुछ वर्ड्स है जिसका मीनिंग पता होना चाहिए, पहले ऊपर ऊपर से बताऊंगी फिर डिटेलिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखा है, ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, प्रोस्पेक्टस बोल सकते हैं, प्रोस्पेक्टस में अच्छी अच्छी बातें, मैं 1 करोड़ का इश्यू लेकर आ रही हूँ, ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफर कर रही हूँ भैया मेरी कंपनी की अच्छी अच्छी बातें पढ़ो और भैया हमें पैसे दो। लेकिन ड्राफ्ट क्यों बोला है, अभी रफ है, फाइनल नहीं हुआ, फाइनल किसको देकर होता है, सेबी को देंगे, सेबी को देंगे, लिस्टेड कंपनी है ना, कंपनी कौन सी है लिस्टेड, इन्होंने साफ साफ बोल दिया ऑफर डॉक्यूमेंट पहले सेबी को दो, सेबी पहले चेक करें कि आपने कहीं बड़ा चढ़ा के बातें तो नहीं लिखी, गलत बातें तो नहीं लिखी। सेबी जब चेक करेगा तो वो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करता है और चाहे तो चीजों को क्या कर सकता है, चेंज करने को बोल सकता है, और चेंज फिर करना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो क्या हम आपको ऑफर डॉक्यूमेंट लाने देंगे क्या, नहीं, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। तो चलिए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एक तरीके का ऑफर डॉक्यूमेंट है, इसको ड्राफ्ट स्टेज में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि फाइनल नहीं है। फाइनल कब होगा, जब सेबी हरी झंडी दिखा देगा, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसको फाइल किया जाता है ड्राफ्ट, सेबी को। साफ साफ लिखा है बच्चा एटलीस्ट कितने दिन पहले, डेटा याद रखना कितने दिन पहले, 30 डेज। ये 30 डेज किससे, इन्होंने कहा ROC को तो फाइनल वाला देंगे ना, ROC कौन सा देंगे, फाइनल। और जिस कंपनी में भैया लिस्ट होने जा रहे हैं उसे भी क्या देंगे, फाइनल। इन शॉर्ट ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट ये एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है जो अभी फाइनल स्टेज में नहीं है, जो एक्चुअल में फाइनल हो जाएगा तो ROC को दिया जाएगा, लेकिन इसे फाइनल करने के लिए पहले सेबी से चेक कर। तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दिया जाता है किसको, सेबी को, और कंप्लीट फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट किसको दिया जाता है, ROC को, स्टॉक एक्सचेंज को। तो इसीलिए उन्होंने बोला भैया ROC के पास जाने से पहले सेबी से चेक करो लिस्टेड कंपनी हो। बात समझ में आ रही है, आज मेरी ITS कंपनी लिस्टेड है, मुझे पहले चेक कराना है, तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट किसको देना पड़ेगा, सेबी को, वो फाइनल कर देगा, ROC दे दो। उसने फाइनल नहीं किया, उसने कहा चेंजेस है इसमें, तो मेरे एक लीड मर्चेंट बैंकर को बुलाया जाएगा। ये सारे काम ना मर्चेंट बैंकर कर, ड्राफ्टिंग का काम मर्चेंट बैंकर कर रहा है, सेबी के पास भेजने का काम मर्चेंट बैंकर कर रहा है। तो जब सेबी कहेगी चेंजेस तो कौन करेगा ये चेंजेस, मर्चेंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मर्चेंट बैंकर के अंदर ही मैं ही हूं। CS क्या करेगा, ये मर्चेंट बैंकर की टीम में है बच्चा, हम ही वो ड्राफ्ट करने वाले, ठीक है। तो मर्चेंट बैंकर पूरा लीड कर रहा है, एक मर्चेंट बैंकर से भी काम नहीं चलता, बहुत सारे मर्चेंट बैंकर होते। तो मर्चेंट बैंकर साफ साफ क्या बोलेगा कि भाई सुनो ये चेंजेस है, जल्दी से चेंज करो। तो सेबी ने जो चेंजेस बोला उसे करना है, लेकिन सेबी के पास कितने दिन पहले भेज देना है, ROC को भेजने से 30 डेज पहले। यहां तक बात समझ में आ गई? सेबी में स्पेसिफाई वही लिखी बातें चेंजेस, और लीड मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, कैरी आउट सारे के सारे वो सच चेंजेस। बच्चा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जब सभी को दिया ना तो पब्लिक कमेंट्स के लिए भी अवेलेबल, समझना। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हम किसको दे रहे हैं, सेबी को। सेबी को दिया मतलब सेबी क्या कहेगा कि भैया ये पब्लिकली अवेलेबल है, सेबी भी इसमें कमेंट कर सकता है अगर उसको कुछ चेंजेस लग रहे हैं, और जनता भी। अगर आपको ध्यान हो आपका खुद का इंस्टीट्यूट ICSI कंपनी है ना,
कुछ भी चेंज करता है तो सारी चीजें पब्लिकली रखता है। अभी जब सिलेबस चेंज करने वाली बात आई थी ना, तो उसने पब्लिकली ओपन कर दिया था। उसने साफ साफ क्या बोल दिया था कि हम आपके इंस्टीट्यूट का क्या करें, सिलेबस चेंज करें। तो ये चीजें पब्लिकली अवेलेबल थी। वो अपने मेंबर से भी पूछ रहे थे, स्टूडेंट से भी पूछ रहे थे और जनता से भी पूछ रहे थे, किसी को कोई भी है ना चीजें। लेकिन जनरली जनता तो क्या ही देगी, हम ही लोग बताएंगे। तो बच्चा इन्होंने साफ साफ बोल दिया, ये ऑफर डॉक्यूमेंट अभी ड्राफ्ट है, जनता इसको पढ़िए, आपको लगता है कुछ सजेशन देना, कुछ कमेंट करना तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट हमने दिया किसको है, सेबी को। सेबी ने क्या बोल दिया, पब्लिकली अवेलेबल भी करवाइए। पब्लिकली अवेलेबल पीरियड ऑफ कितने दिन के लिए अवेलेबल रहेगा, 21 डेज। जब भी आपने फाइल किया किसको, सेबी से, मतलब सेबी को भी दिया और 21 डेज के लिए जनता के लिए ओपन। आपको ऑफर डॉक्यूमेंट कुछ गलत लग रहा है तो हमें आकर बताइए, सेबी को भी बताइए, सेबी फिर हमसे एडिशनल इंफॉर्मेशन लेगा। हाँ, रुक जाओ। फिर क्या लिखा है उन्होंने, विद दी सेबी, सेबी की वेबसाइट की बात हो रही है। सेबी को हमने दे दिया, किसको दे दिया हमने, सेबी को। सेबी को जैसे ही दिया तो सेबी अपनी वेबसाइट में पब्लिक कमेंट के लिए ओपन कर देगा, क्योंकि जनता कहाँ देखेगी, सेबी की वेबसाइट में सब ओपन रहेगा। फटाफट पढ़ो, दिक्कत लगती है तो उसमें कमेंट करेंगे। बात समझ में आ गई, बात अगर रेलेवेंट होगी तो आपको एंटरटेन किया जाएगा। बहुत सारी फालतू बात भी करने वाले लोग आते हैं, यहाँ तक बात क्लियर है। ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, जिसका इंटरेस्ट कनेक्ट होता है वही पढ़ता है। हमारा इंटरेस्ट कनेक्ट तो हम भी पढ़ रहे हैं, हमारी कंपनी से रिलेटेड होगा जिसमें मैं शेयर होल्डर हूँ ऑलरेडी। सभी तो पूरा पढ़ता है, लेकिन जनता, जनता को भी बोला ना, जो पढ़ेगा वो कमेंट करेगा, अदरवाइज। अब मुझे बताओ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट का मीनिंग समझ में आया, ये ऑफर डॉक्यूमेंट है जो फाइनल नहीं है। आप मुझे बताओ प्रोसेस समझ में आई, पहले कंपनी ने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मर्चेंट बैंकर के थ्रू बनवाया, मर्चेंट बैंकर किसके पास लेके गया, सेबी के पास। सेबी ने इसे क्या किया, अपनी खुद की वेबसाइट में पब्लिक कमेंट के लिए 21 डेज के लिए ओपन रखा। अगर उसे भी कोई चेंजेस लगे उनके कमेंट सुनने के बाद और खुद का भी ओवरव्यू, तो वो चेंजेस करने को बोलेगा लीड मर्चेंट बैंकर को, ठीक है। और लीड मर्चेंट बैंकर उसको फटाफट चेंज करेगा, तब जाके किसको देगा, आरओसी को भी और स्टॉक एक्सचेंज को भी, जहां वो लिस्ट होने जा रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया ना, ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया, ड्राफ्ट था अभी तक सभी के पास तक, सभी के वहां से निकला, तो बच्चा फाइनल। ऑफर डॉक्यूमेंट एक तरीके से प्रोस्पेक्टस होता है, ध्यान देना। अभी हमने टाइप ऑफ इश्यूज पढ़े, कितने टाइप पढ़े, पहला, दूसरा, तीसरा। इन्होंने कहा जब आप पब्लिक इश्यू बोलते हो तो ये ऑफर डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ऑफर फॉर सेल क्या था, पुराने शेयर्स, सेकेंड हैंड शेयर्स, इसके लिए भी हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। लेकिन जब भी राइट इश्यू आता है तो प्रोस्पेक्टस वर्ड यूज नहीं करते हैं, है वही ऑफर डॉक्यूमेंट। बच्चा है ऑफर डॉक्यूमेंट ही, लेकिन एक नाम दिया गया है प्यारा सा, वो नाम क्या दे रखा है, लेटर ऑफ ऑफर। मतलब एक लेटर है, क्यों, क्योंकि मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो ना, हम आपको ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, हम आपको क्या दे रहे, लेटर दे रहे ऑफर करने का, क्योंकि आप हमारे पुराने हैं, उसे लेटर दे रहे। बस नाम चेंज कर दिया है, वही है, दोनों प्रोस्पेक्टस है, दोनों ऑफर डॉक्यूमेंट है, बस टर्म्स चेंज कर दे। जहां कहीं भी अब तुम देखोगे राइट इशू ना, तो वहां पे ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस ये सब नहीं लिखा जाता, बार बार लेटर ऑफ ऑफर, लेकिन वो है वही ऑफर डॉक्यूमेंट। तो ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है, प्रोस्पेक्टस बोलो या फिर लेटर ऑफर। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सुना है, मेरी प्राइस या तो फिक्स है, मेरी प्राइस या तो क्या है, फिक्स। फिक्स प्राइस अगर मैं किसको दे रही हूँ, जनता को दे रही हूँ, तो मेरा ऑफर डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा, प्रोस्पेक्टस। वापस 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 मैं पब्लिक को इशू कर रही हूँ, मेरा ऑफर डॉक्यूमेंट का नाम प्रोस्पेक्टस होगा, अगर प्राइस फिक्स है। अगर प्राइस फिक्स नहीं है तो प्रोस्पेक्टस बोलेंगे क्या, तब हम बोलेंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मतलब ये एक तरीके से क्या है, इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ये भी एक प्रोस्पेक्टस है, लेकिन इसमें मिसिंग होती है, क्या मिसिंग होती है, या तो प्राइस या तो नंबर ऑफ शेयर्स, क्या बात समझ में, या तो प्राइस मिसिंग है या तो नंबर ऑफ शेयर्स। इसकी डिटेलिंग अभी काम की नहीं, लेकिन आगे चलकर काम की आएगी, बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे अभी ये समझो। क्या बुक बिल्ड इश्यू समझ में आया, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस डिस्कवरी मेथड भी बोल सकते हैं। मतलब आपकी प्राइस फिक्स नहीं है, हमें पता लगाना है। जब हम प्राइस का पता लगाना चाहते हैं तो उस पूरे पता लगाने के प्रोसेस को प्राइस डिस्कवरी मेथड या फिर बुक बिल्ड इश्यू बोला जाता है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पढ़ा, रूटीन चैप्टर में पढ़ा डिटेल में, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया, पक्का। चलिए, इन्होंने कहा ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ध्यान दो,
कि रेडरिंग प्रॉस्पेक्टस एक तरीके से इनकम्प्लीट होता है जो आरओसी को दिया है, मतलब आरओसी को दो देते हैं प्रॉस्पेक्टस, एक पहले इनकम्प्लीट, अब जब आपकी प्राइस फाइनल हो जाएगी तो दोबारा से आरओसी को दे देना। पहली बार आप आरओसी को दे दो इनकम्प्लीट फॉर्म में, ठीक है, ओनली ऑन द कंप्लीशन, जैसे बिडिंग प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी, डिटेल किसकी, फाइनल प्राइस की डिटेल, अब ऑफर डॉक्यूमेंट, अब उसका नाम बदल गया, अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोल रहे क्या, नहीं, अब इसको प्रोस्पेक्टस बोलेंगे ना, तो उसने बोला देर आफ्टर आरओसी को फिर से दे दो, अब वो जो आरओसी को सेकंड वाला दिया जाएगा उसे हम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे, फर्स्ट तो हमने इनकम्प्लीट दिया है तो इसलिए उसका नाम रेड हेरिंग है, बाद में फाइनल प्राइस होने के बाद फिर से दिया क्योंकि आरओसी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, बोलेंगे भैया आपने तो आधा दिया था, पूरी बात तो बताई नहीं थी, जब फाइनल हो जाएगा तो प्लीज वो भी बता दें। तो तीन टाइप के हमने यहाँ पे वर्ड्स पढ़े, पहला ड्राफ्ट, मतलब अभी प्रोसेस में है, सेबी ने अभी हरी झंडी नहीं दी, सेबी ने हरी झंडी दे दी, आप किसको दे दो, आरओसी को भी दे दो और स्टॉक एक्सचेंज को भी। लेकिन बच्चा हम प्रोस्पेक्टस लेटर ऑफ और ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस मतलब प्राइस एकदम फिक्स है जनता को दे रहे, लेकिन जब हम जनता को देकर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट इश्यू देते हैं तब नाम क्या बदल जाता है, लेटर ऑफ ऑफर, जनता को ही दे रहे लेकिन प्राइस फिक्स नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। लेकिन आरओसी बोलते हैं मुझे कंप्लीट भी चाहिए, मुझे प्रोस्पेक्टस भी दे देना जब आपकी बिडिंग प्रोसेस खत्म हो जाए, फाइनल प्राइस आ जाए। यहां तक बात समझ में आई, पक्का पक्का। आईपीओ एफपीओ स्टार्ट करें, चैप्टर का नाम कैसे भी आईसीडीआर, सेबी आईसीडीआर, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, इश्यूअर को कंप्लाई करना पड़ेगा अगर वो क्या लेके आ रहा है, आईपीओ। अब बच्चा बैकग्राउंड हो चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अब चालू, अभी तक बैकग्राउंड था, इनका इश्यू के टाइप समझ लो, कुछ टर्म समझ लो, आगे चल के हम ये सब रिपीट करेंगे। अब यहां से स्टार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी कंपनी आईपीओ ला सकती है क्या, नहीं, अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से मतलब क्या है, इन्होंने कहा एंटिटीज नॉट एलिजिबल, रेगुलेशन नंबर याद होना चाहिए, रेगुलेशन नंबर याद होना चाहिए, रेगुलेशन नंबर 5, उसका सब रेगुलेशन 1 एंड 2, उसका सब रेगुलेशन 1 एंड 2, पहले ध्यान देंगे कौन सी कंपनी आईपीओ ला सकती है, उसकी एलिजिबिलिटी पॉजिटिव बताइए कि नेगेटिव बताइए, नॉट एलिजिबल बताए ना, मतलब ये कंपनी आईपीओ नहीं लाएगी, मतलब इसका ठीक उल्टा करेंगे तो वो ला सकती है, बात समझ में आई बच्चा। अब ध्यान देंगे ईश्वर मतलब समझते कौन होता है, ईश्वर कंपनी होता है पक्का, ईश्वर मतलब कंपनी, कंपनी कौन कौन नहीं ला सकती, नेगेटिव लिस्ट है, वो कंपनी नहीं लाएगी इफ द ईश्वर या फिर उसका प्रमोटर या फिर उसका प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेयर होल्डर, कुछ ऑफर फॉर सेल याद आ रहा है, ऑफर फॉर सेल, सेलिंग शेयर होल्डर वही ऑफर फॉर सेल की बात हो रही है, नीचे आपको एक छोटा सा नोट दे रखा है, सेलिंग शेयर होल्डर मतलब क्या, ऑफर फॉर सेल, आईपीओ लेकर आ रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं आईपीओ कौन कौन नहीं ला सकता, ठीक है, जब हम आईपीओ लेकर आ रहे थे तो नए शेयर्स भी ला रहे थे और पुराने भी, सेलिंग शेयर होल्डर वो प्रमोटर था मेरे एग्जाम्पल का जो अपने पुराने शेयर बेच रहे हैं, ये वर्ड समझ में आया, चलो या तो ईश्वर मतलब कंपनी, या तो कंपनी का प्रमोटर, या तो कंपनी का प्रमोटर के पूरा ग्रुप होता है, उसकी डेफिनेशन में बहुत सारे लोग कवर होते हैं, उससे रिलेटेड सब लोग, फिर क्या लिखा है, सेलिंग शेयर होल्डर, डिबार्ड किसने कह दिया है, सेबी ने, सेबी ने एक नेगेटिव लिस्ट जारी करी है, उसमें बोल दिया ये नलायक कंपनियां हैं, ये नलायक प्रमोटर्स है, या फिर बच्चा ये नलायक प्रमोटर ग्रुप है, या फिर डिफॉल्टर की लिस्ट दे रखी है, साफ साफ बोल दिया सेबी ने एक डिबार्ड की लिस्ट दे रखी है, ये लोग आईपीओ नहीं ला सकते, तो आईपीओ कौन नहीं लाएगा, आईपीओ वो नहीं लाएगा जिसे सेबी ने मना किया है, सेबी ने या तो किसको मना किया होगा, कंपनी को ही, या तो प्रमोटर को, क्या है अगर मुझे किया है ना तो भैया मैं जिस कंपनी में प्रमोटर हूं वो कंपनी आईपीओ नहीं लाएगी, किसी प्रमोटर ग्रुप को किया है ना, उसके किसी सदस्य को किया है ना, तो उसके ग्रुप की सारी कंपनी नहीं लाएगी, किसी सेलिंग शेयर होल्डर को कर दिया है ना, वो जिस कंपनी में आईपीओ लाने का सोच रहा है ना, शेयर को मिक्स करके बेचने का सोच रहा है ना, वो आईपीओ नहीं लाएगा, क्या ये बात समझ में आई, तो क्या पहला पॉइंट ये बोल सकती हूँ कि आईपीओ कौन नहीं ला सकता, वो नहीं ला सकता जिसको जिसको सेबी ने डिबार कर रखा है, पहला पॉइंट समझ में आया, चलिए ये तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, एक कंपनी है ए लिमिटेड और दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड, ए लिमिटेड बी लिमिटेड एग्जाम्पल पहले समझ लो, सेकंड पॉइंट तभी समझ में आएगा, ए कंपनी में एक्स वाई जेड तीन प्रमोटर है, ठीक है, अब भैया बी कंपनी में एक्स है और बच्चा ई एफ है,
दोनों के प्रमोटर में क्या प्रमोटर कॉमन दिख रहा है? ठीक है, अगर इस कंपनी को डिबार्ड कर दिया है, इस कंपनी को डिबार्ड कर दिया, डिबार्ड कौन कर रहा है? सेबी। यहाँ एक प्रमोटर है, ये कंपनी आईपीओ लेकर आनी थी, उन्होंने कहा भैया आप नहीं ला सकते, आपको पूरी कंपनी को डिबार्ड कर दिया, तो इस कंपनी का प्रमोटर क्या दूसरी कंपनी में भी है? आज बोल रहा है बी कंपनी चलो हम आईपीओ लेके आते हैं, वो कंपनी भी आईपीओ नहीं लाएगी जिसमें क्या है प्रमोटर क्या हो गया कॉमन हो गया। इन्होंने कहा भैया सुन प्रमोटर एक्स तो एक ऐसी कंपनी में प्रमोटर है जिस कंपनी को डिबार्ड करके रखा है, तो अब आप दूसरी कंपनी में अगर प्रमोटर हो तो इन शॉर्ट ये प्रमोटर जिस जिस कंपनी में होगा वो सारी कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये एक्स ना लाए पांच कंपनी में प्रमोटर था तो पांचों की पांचों कंपनी आईपीओ नहीं लाएगी, मतलब प्रमोटर क्लीन चिट होना चाहिए, प्रमोटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, प्रमोटर ही सही नहीं है तो कंपनी क्या अच्छे से चलाएगा वो? रुक तो जाओ पढ़ क्यों रहे हो, सेकंड पढ़ना रहे तो दो। पहला समझ में आ गया सेबी ने डिबार्ड किया किसको? या तो कंपनी को या तो उस कंपनी के प्रमोटर, मेरी आईटेक को डिबार्ड कर दिया है तो आईपीओ ला सकती है क्या? मेरी कंपनी को नहीं किया, रॉकी सर को डिबार्ड कर दिया तो क्या आईटेक ला सकती है? नहीं। इसके प्रमोटर ग्रुप को, इसके सेलिंग शेयर होल्डर को, क्या ये बात समझ में? पहला आ गया। अब दूसरा, ये रॉकी सर ने ना दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर रखी थी एज अ प्रमोटर। सेकंड पॉइंट पढ़ने तो दो। इफ एनी, ये पागल क्यों हो रहा है, रुक तो दो। इफ एनी प्रमोटर और उसके डायरेक्टर, या तो प्रमोटर या तो उसके डायरेक्टर ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी, ये सेकंड पॉइंट पढ़ा ही नहीं, पहली भंगने लगते हो। एनी अदर कंपनी, वो किसी और का भी अदर है, मतलब रॉकी सर आईटेक्स में थे तो आईटेक्स को तो मना कर दिया, अब रॉकी सर जिस दूसरी कंपनी में क्या है, या तो प्रमोटर या तो डायरेक्टर, डिबार्ड बाय कंपनी ने लिखा पॉइंट बनाने के चक्कर में, पॉइंट बनाने के चक्कर में कंप्लीट नहीं लिखा है, ये इसी से कनेक्ट है, ये ए और बी, हाँ ये ए और बी दोनों क्या बच्चा एक ही है, समझ ले भाई, ए और बी क्या बच्चा एक ही है। तो इन शॉर्ट अगर प्रमोटर डिबार्ड हो तो भैया वो जिस जिस कंपनी में होगा प्रमोटर या फिर डायरेक्टर, उन सारी कंपनी को क्या बोल दिया साहब का? एनी अदर कंपनी, वो कंपनी भी आईपीओ नहीं ला सकती। अब बोलो समझ में आया पक्का? हाँ गए का आपसे, निकाल दो ऐसे प्रमोटर डायरेक्टर को। नीचे कंपनी आईपीओ नहीं लेके आ पाई, समझ में आया? पहला पॉइंट डिबार्ड वाला है, पहला दूसरा, ठीक है चलिए तीसरा, या तो कंपनी या तो उसका प्रमोटर या तो उसका डायरेक्टर, क्या लिखा है? विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट है। पहले वाले में सेबी ने डिबार्ड करके रखा होगा उनकी पुरानी किस हरकतों के कारण, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? बिल्कुल डिफॉल्ट, जान बूझ कर उन्होंने कुछ गलतियां कर रखी है कंपनी को नुकसान करने के लिए, तो इनके लिए अलग बना के रखी है कि भैया इन लोगों ने जान बूझ कर गलतियां कर रखी है तो भैया ये आगे भी चलकर तो करेंगे, तो ये जो लोग हैं या तो कंपनी ने बिल्कुल डिफॉल्टर किया था, या तो प्रमोटर या तो उसका डायरेक्टर, अगर ऐसे प्रमोटर डायरेक्टर आपकी कंपनी में तो हम आपको क्या नहीं लाने देंगे? आईपीओ लाने नहीं देंगे, नेगेटिव लिस्ट है, ठीक है। चलिए प्रमोटर या तो डायरेक्टर, ठीक है, फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा, प्रॉपर वर्ड बोलू तो भगोड़ा, कौन भाग गया यहां से? माल्या जी भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, एक्चुअली ऐसे भागे लोग, इन लोग को यहाँ पे कोई पकड़ ना ले, इस चक्कर में ये लोग इंडिया छोड़कर भागे। अगर आपकी कंपनी का डायरेक्टर और प्रमोटर क्या बचा? फ्यूजिटिव भगोड़ा ही है एक्चुअल में, ठीक है, ऑफेंडर है, मतलब एक अलग से एक्ट बनाया गया है बच्चा, जब इतने ज्यादा केसेस है ना तो फिजिकल ऑफेंडर एक पूरा का पूरा एक एक्ट है बच्चा, जिसकी डेफिनेशन दे रखे, पकड़ तो हम नहीं पा रहे, लेकिन अगर आपकी कंपनी का डायरेक्टर प्रमोटर इस कैटेगरी में तो भैया हम आपको आईपीओ लाने नहीं देंगे। बात समझ में आ गई पक्का? पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले बताइए समझ में आया? क्या मैं पहला पॉइंट बोल सकती हूँ डिबार्ड बाय सेबी, दूसरा बोल सकती हूँ डिबार्ड बाय सेबी, पहले दो पॉइंट डिबार्ड वाले है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये तीन पॉइंट याद हो गए,
दिबाड़, दूसरा विलफुल डिफॉल्टर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. एक एक्ट ही बना हुआ है जिसकी डेफिनेशन देखिए कौन कौन कवर होगा. अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो तो आप गए काम से. ठीक है, चौथा पॉइंट, पहले हेडिंग देखो, हेडिंग क्या लिखा है बच्चा चौथे पॉइंट. मेरी कंपनी पब्लिक तो थी, मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी तो थी. ठीक है बच्चा, क्या हम ऐसे सिक्योरिटीज इशू करते हैं जो आगे चलकर कन्वर्ट हो जाएगी? डिबेंचर कन्वर्टेबल होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ऐसे कन्वर्टेबल वाली सिक्योरिटीज होती है. वेरी गुड, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज अभी क्या है बच्चा? आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हुए, अभी टाइम है. तो इन्होंने कहा सुनो, जब ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगी ना तब आईपीओ लेकर आए. हम आपको आईपीओ लाने नहीं देंगे अगर आपकी कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज क्या है बच्चा? आउटस्टैंडिंग है, बची हुई है, अभी कन्वर्ट नहीं हुई है. पहले से कन्वर्ट हो जाने दीजिए, पहले से कन्वर्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप क्या करेंगे बच्चा? आईपीओ लेकर आए, क्योंकि ये भी इक्विटी शेयरहोल्डर है. जब ये इक्विटी शेयरहोल्डर, आगे भी तो आप इक्विटी शेयरहोल्डर आईपीओ लेके आ रहे हो ना, इक्विटी बढ़ा रहे हो, तब आपको नहीं आगे बढ़ने देंगे जब तक आप क्या करें शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट ना कर ले. ये बात समझ में आई? एक वो पॉइंट पड़ेंगे. सॉरी बच्चा, सर्दी खराब ज्यादा हो रहा है, एक जगह बैठे बैठे हो जाता है ब्लॉक, है ना. एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ये बात समझ में आई? इन्होंने कहा है कि ऐसे ही मिलती जुलती एनी अदर राइट, ऐसा कोई भी राइट, एनी पर्सन विद एनी ऑप्शन रिसीव, कुछ भी अगर आउटस्टैंडिंग होता है कोई भी राइट, तो हम आपको आईपीओ नहीं ला देंगे. ठीक है, हाँ. टोटल कितने पॉइंट्स पड़े? पांच. पहला वो कंपनी प्रमोटर, अगर सेबी ने मना कर रखा है, यहाँ पे भी सेबी ने मना कर रखा है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा वो कंपनी जिसको मना किया है, या फिर एनी अदर दूसरी कंपनी, डिबार्ड बाई दी सेबी, दोनों डिबार्ड बाई दी सेबी की बात करें, पॉइंट के चक्कर में वो लिखना भूल गए. दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? विलफुल डिफॉल्टर. तीसरी हेडिंग विजिटर ऑफेंडर, और फिर क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी. कुछ इसको याद आ रहा है क्या? उसमें भी कुछ ऐसा रहता है बच्चा, कन्वर्ट होना चाहिए आगे चलकर. स्टॉक ऑप्शन होता है, ऑप्शन क्या होता है? कन्वर्ट होने का. हम अपने एम्प्लॉयज को क्या बोलते हैं? भाई तुझे कंपनी का मालिक बना दिया जाएगा अगर तू हमारी कंपनी में कितने साल तक करेगा? 5 साल. जनरल रूल, अगर कोई शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, अगर कोई शेयर्स क्या बच्चा? आउटस्टैंडिंग है, नहीं तुम लोग मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज हो, मैंने तुम लोग को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मतलब क्या था? कि 5 साल तक काम करोगे, मैं तुम लोग को कहीं जाने नहीं देना चाहती, कि तुम लोग बहुत अच्छे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे एम्प्लॉयज है, एक्सपीरियंस हो. मैं आपको यही रोकने के लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देती हूँ, जिसमें आप 5 साल तक काम करेंगे तो आपको कंपनी की इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे, आप मेंबर बन जाएंगे, शेयरहोल्डर बन जाओगे. क्या ये सॉब याद आया? अब इन्होंने बोला कि मैंने ये सॉब दे दिया था, अब बीच में आईटेक प्लान कर रहे हैं कि भैया मुझे आईपीओ लेके आ रहे हैं, मुझे लिस्ट होना है. तो अभी 3 साल ही हुए, कितने साल हुए? 3 साल. तो भैया 2 साल तक तो भैया मैं इनको दे नहीं सकती, मेरा आउटस्टैंडिंग है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. यस और नो? इन्होंने कहा ये क्या है इसका एक्सेप्शन. जनरल रूल, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो आईपीओ लाओगे नहीं. एक्सेप्शन, अगर आउटस्टैंडिंग कौन सा वाला है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाला है अगर आउटस्टैंडिंग. तो इन्होंने कहा कि आपको हमने छूट दे दी है, आप आईपीओ लेकर आ जाओ. क्या बात समझ में आई? या फिर मेरा कुछ आउटस्टैंडिंग था, मैंने उसे क्या कर दिया बच्चा? आईपीओ लाने से पहले क्या कर दिया? फटाफट कंप्लीट कर दिया. तो जब कंप्लीट कर दिया तो मैं आईपीओ ला सकती हूँ बच्चा? ये दो बातें समझ में आ रही है? एक को तो छूट दे दी. किसको छूट दे दी? ईसॉप को, कि भैया तुम मत करो, तुमने तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए किया था, तुम्हारा पर्पज अलग था. बाकी सबको रोक देंगे, डिबेंचर कन्वर्टेबल को रोक देंगे, प्रिफरेंशियल को रोक देंगे, एनी अदर सबको रोक देंगे, लेकिन किसको नहीं रोका जाएगा एक्सेप्शन में? कौन होगा? ईसॉप. ठीक है, 2 मिनट यहाँ पे आ जाओ. आपकी बुक में दिखा है नॉन एलिजिबिलिटी, सॉरी नॉन एप्लीकेबिलिटी लिखा है. ठीक है, आउटस्टैंडिंग जो है, आउटस्टैंडिंग क्या बच्चा है बच्चा? आउटस्टैंडिंग क्या है? ऑप्शंस, ऑप्शंस टू एम्प्लॉय. एम्प्लॉय को कौन सा ऑप्शन देते थे? स्टॉक बोलते थे. स्टॉक बोलो या स्टॉक बोलो, एक ही बात है. ऐसे मतलब स्कीम होता है, या फिर पी लगा दो प्लान. समझ में आया? कौन सा चैप्टर पढ़ा था? 9 चैप्टर पढ़ा था. ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया? पहले बताओ, वो जनरल रूल का ये एक्सेप्शन है, ये समझ में आ गया? चलिए, या तो क्या लिखा है? फुल्ली पेड कर दिया. किसको? कन्वर्टेबल.
फुल पे कर दिया मतलब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया ऑन और बिफोर कब, डेट ऑफ फाइलिंग। अब आप ना फाइल करते हो या तो आरओसी को क्या फाइल करते हो, प्रोस्पेक्टस फाइल करते हो। अब ध्यान देना, अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस से है तो कौन सा, अगर आपकी प्रोसेस बुक बिल्डिंग से नहीं है, फिक्स प्राइस से है, तो प्रोस्पेक्टस। इन शॉर्ट इन्होंने बोला आरओसी को प्रोस्पेक्टस फाइल करने से पहले आपने अपनी जो गलतियां थी, जो आपके आउटस्टैंडिंग थी, उसको क्या कर दिया, ठीक कर दिया। लेकिन कब ठीक कर दिया, कब ठीक कर दिया, आरओसी को फाइल करने से पहले। तो आप आई को ला सकते हो ना भैया, कोई बात ही नहीं है, ये तो उन्होंने नॉर्मल बात बोली है। पहला तो जेन्युइन एक्सेप्शन है भैया, सब है, टाइम है, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा क्या बोल दिया, आपके आउटस्टैंडिंग को आप उसे कंप्लीट कर देते हो, लेकिन कंप्लीट करने की डेट क्या बोली, बिफोर फाइलिंग टू आरओसी। या तो फिक्स से जा रहे हो तो प्रोस्पेक्टस दोगे, लेकिन अगर आप बुक बिल्डिंग से जा रहे हो तो रेड हेरिंग। एक बार रीड करो सेकंड वाला पॉइंट, मुझे बताओ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, फटाफट रीड करेंगे और बताएंगे बच्चा। इस वाला फिर से रीड करके सबको समझ में आ गया, वापस आएंगे। ए बी सी डी ई हमें समझ में आ गई, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या लिखा है, नॉट अप्लाई, ए और बी पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। अगर जो डिबार्ड है, सेबी ने डिबार्ड किया था, सेबी ने क्या बोला, जो आपकी गलती थी, जो आपकी गलती थी, डिबार्ड ऑफ दी पीरियड ऑफ डिबार्ड क्या हो गया बच्चा, खत्म हो गया। हमने आपको रोक रखा था 2 साल के, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, प्रमोटर ने कुछ गलत काम किया था जिस कारण से उसको 5 साल के लिए रोक के रखा था। अब 5 साल खत्म हो गए हैं तो क्या अब आईपीओ कर सकते हैं, कब, इन्होंने बोला ओवर हो जाना चाहिए। जब भी क्या कर रहे हो, सेबी के पास ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे रहे हो ना, उससे पहले खत्म हो जाना चाहिए। एक बार गया सेबी के पास और तब देखा कि 10 दिन बचे थे तो क्या कर सकते थे, क्या 10 दिन और रुक जाते, दे सकते। सेबी पहले भगा देगा कि भाई तुम तो डिबार्ड हो, पहले टाइम पीरियड तो खत्म होने दे। वापस ए और बी डिबार्ड, अब यहाँ कवर कर दिया उन्होंने जहाँ ऊपर नहीं लिखा, समझ में आया। चलिए फिर से हम क्या बढ़ रहे हैं, कौन कौन आईपीओ, कौन कौन आईपीओ, पहला दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर सेबी ने डिबार्ड कर दिया मतलब कुछ टाइम के लिए आपको रोक रखा है। ये छोटा सा नोट बोलता है, ये जो छोटा सा नोट है ये बोल रहा है आपका डिबार्ड टाइम अगर खत्म हो गया तब तो ला सकते हो ना, लेकिन खत्म कब होना चाहिए, सेबी के पास ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देने से पहले खत्म होना चाहिए। मतलब आज अगर खत्म हुआ है तो अब आप कल से दे सकते हो। अगर मैं आज अप्लाई कर रही हूँ और 10 दिन बाद खत्म होना चाहिए था तो क्या दे सकती हूँ, क्या नहीं। दूसरा नोट समझ में आ गया, सेलिंग शोल्डर सेकंड हैंड वाले। और अब ये समझ में आ गया नॉन एप्लीकेबिलिटी, फटाफट आईपीओ कौन कौन नहीं ला सकता, नेगेटिव लिस्ट फटाफट, डिबार्ड फॉर्म सेबी, इन शॉर्ट टोटल पॉइंट कितने, 4 ही है। पहले डिबार्ड के 2 पॉइंट है, विलफुल डिफॉल्टर, फ्यूचर इकोनॉमिक ऑफेंडर और आउटसाइड, इसका एक्सेप्शन 2 ईसॉप, और दूसरा एक्सेप्शन नहीं है, जबरदस्ती वो ईसॉप उसे बना रहे। वो क्या बोल रहे हैं भैया, पहले ठीक हो जाना चाहिए। समझ में आया पक्का, ये नेगेटिवली समझ में आई। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया एक बार पूछो, तब आगे बढ़ेंगे। ये तो एलिजिबिलिटी समझ में आ गई बच्चा। अब नेगेटिव लिस्ट पढ़ ली तो पॉजिटिव लिस्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले शॉर्ट में कितने पॉइंट्स है बच्चा, कितने पॉइंट्स है, वैसे तो 3 है, वैसे तो पहले 3 है। पहला आईपीओ तभी लाएगी ना जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड से मतलब क्या है, आपका नेट टेंजिबल एसेट करोड़ों में, ये अभी शॉर्ट में अभी डिटेल में बताऊंगी। नेट टेंजिबल शुरुआत कर रही है कंपनी न्यू बच्चा। आईपीओ वही ला सकता है जिसका क्या लिखा है, नेट अपन टेंजिबल इनटेंजिबल समझते हैं, तो बैलेंस शीट अगर आपके सामने होगी तो टेंजिबल इनटेंजिबल समझ जाओगे ना। टेंजिबल एसेट को देख लोगे 3 करोड़, अगर कोई डेटा देखकर आपसे पूछे कि कंपनी आईपीओ ला सकती है बता दोगे, दिखाऊंगी ठीक है। टेंजिबल एसेट, नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए, 3 करोड़। अभी ध्यान दो फिर क्या लिखा है, मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर मैं ऐसे बोलूंगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट टैक्स से पहले, टैक्स नहीं डिडक्ट हुआ है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, यस और नो,
कंपनी को प्रॉफिट हो अभी टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट कितना होना चाहिए 15 करोड़। बच्चा कंपनी का प्रॉफिट कितना होना चाहिए 15 करोड़। पिछले 3 साल वापस कंपनी का नेट टेंजिबल ऐसे कितना होना चाहिए 3 करोड़। पिछले 3 साल हमेशा देखें तीनों में 3 साल है, 3 साल है, वापस 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 इनकम बीट करता। कंपनी का नेट टेंजिबल ऐसे कितना चाहिए पिछले 3 सालों में 3 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट कितना होना चाहिए पिछले 3 सालों में मिनिमम एवरेज है, एवरेज समझते हैं, ऐड करना अभी पूरा दिखाऊंगे अभी डिटेल में। फिर चौथा देखो क्या लिखा, नेट वर्थ कितना होना चाहिए मिनिमम पिछले 3 साल। पहला पॉइंट नेट टेंजिबल एसेट बोलो हाँ, दूसरा क्या देखना है एवरेज प्रॉफिट देखना है ना बिफोर टैक्स, तीसरा क्या देखना है नेट वर्थ। वापस 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 स्क्रीन से एक बार हटा रही हूँ, पहले क्या देखना है रुक जाओ, पहले बस मेन हेडिंग, मेन हेडिंग क्या है नेट टेंजिबल एसेट ये देखना है, फिर क्या देखना है एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो बिफोर टैक्स, ठीक है। तीसरा क्या देखना है, हेडिंग याद हो गई, हेडिंग याद हो गई, इस हेडिंग को फिर से पूछ रही, पहली हेडिंग क्या है नेट टेंजिबल एसेट, दूसरा मिनिमम एवरेज बोलो या फिर एवरेज बोलो है ना, किसका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा क्या होना चाहिए बिफोर टैक्स, प्री बोलो बिफोर बोलो सब एक है। तीसरा क्या होगा नेटवर्थ, मतलब एसेट देखना है जो टेंजिबल होंगे, नेटवर्क देखना है और हमारा एवरेज प्रॉफिट तो देखना पड़ेगा। क्या बात समझ में, इन्होंने बोल दिया भैया नेट टेंजिबल एसेट भैया 3 करोड़ होना चाहिए, टेंजिबल एसेट 3 करोड़ होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट 15 होना चाहिए। और फिर क्या लिखा है बच्चा, चलो आओ डिटेल में जाए। पहला नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए 3 करोड़ लिखा है बच्चा, ईच पिछले 3 साल, और 3 साल में भी क्या लिखा है पूरे 12 महीने वालों की बात कर रहे हैं, पूरे 12 मतलब इनकम्प्लीट ईयर नहीं होना चाहिए, क्या बात समझ में आ रही है। कैसे मैं इनकॉर्पोरेट होती बच्चा, मैं इनकॉर्पोरेट होती ठीक है, मैं एकदम नई कंपनी, आज मैं इनकॉर्पोरेट हुई हूँ बच्चा, क्या मैं कल को आईपीओ ला सकती, नहीं ला सकती, मतलब न्यू कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। रुक तो जा, अब मैं कह रही मुझे 3 साल हो गए, मुझे 3 साल हो गए ठीक है, लेकिन मैं स्टार्ट मैंने कब किया था, आज का मंथ क्या है, मंथ बताओ अक्टूबर, तो पहला मेरा फाइनेंशियल ईयर पूरा कंप्लीट 12 महीने का है क्या, नहीं, तो इस पहले ईयर को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये आधा साल का हो गया ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने हुए 6, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम वो 3 साल लेंगे जो आपका क्या हो पूरे 12 महीने का कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर पूरा कंप्लीट होना चाहिए पूरे 12 महीने का, तब तो प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैसे देखेंगे, खिचड़ी पक जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है, तो मतलब एकदम न्यू कंपनी के आईपीओ लेके आ सकती है, कभी नहीं भैया, तुम नई नवेली कंपनी तुम पे भरोसा कौन करेगा, हमें जनता को शेयर इशू करना है, जनता का पैसा ले रहे हो तो आपकी कंपनी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छे से मतलब क्या है, आपका टेंजिबल एसेट हमें कितने चाहिए और पिछले 3 साल से हर साल ईच चाहिए, हर साल पिछले 3 साल, एक तो पूरा 12 महीने का होना चाहिए, हर पूरे 12 साल हम देखेंगे तुम्हारे एसेट, एसेट पूरे टाइम पर क्या 3 करोड़ के थे हर साल, मतलब 3 करोड़ हमें दिखने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, बढ़ जाए तो अच्छी बात है, कम नहीं होने चाहिए। अगर आपका किसी भी एक साल में कम होता है तो हम आपको आईपीओ नहीं लाने देंगे। एलिजिबिलिटी पहला पॉइंट समझ में आया, पक्का ब्रैकेट ओपन क्या लिखा है मॉनिटरी एसेट समझते हैं, मतलब कैश की बात हो रही है ना, मनी मॉनिटरी एसेट, रुक जाओ मॉनिटरी एसेट मतलब पैसा कैश। अब हम आपकी बैलेंस शीट को घूर घूर के देख रहे, टेंजिबल एसेट 3 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 साल का, लेकिन उसका जो मॉनिटरी एसेट है नॉट मोर देन कैश, आपके पास ज्यादा नहीं होना चाहिए भैया, दूसरे एसेट में तो कैश समझते हैं, बैंक में आपने कैश रखा है और आपने कैश कितना रखा है बच्चा, हमने आपका टेंजिबल एसेट देखा, टेंजिबल एसेट आपका 10 करोड़ आता है, टेंजिबल एसेट कितना आता है बच्चा 10 करोड़, और हमने देखा कि आपने 7 करोड़ का तो कैश रखा है, 7 करोड़ का क्या रखा है कैश, इन्होंने बोला कैश कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 50% से ज्यादा नहीं, मतलब 5 करोड़ तक का कैश चल जाएगा, 6 करोड़ चलेगा, 5.5 चलेगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा, नहीं, आपकी कंपनी नलायक है इतना कैश लेके बैठी, कहीं लगाओ इन्वेस्ट करो यार, सिक्योरिटीज खरीद लो,
ये बात समझ में आ रही है? हम आपकी बैलेंस शीट में इतना कैश नहीं देखेंगे। अगर आपकी कंपनी में इतना कैश है, आप मतलब कैश का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। जब आपके पास इतना कैश है तो उस कैश को यूज करो, जनता से पैसे लेने क्यों आ रहे हो? बात समझ में आ रही है? पहला, आपका नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए पिछले 3 सालों में? 3 करोड़ ईच हर साल, पूरे 12 साल कंप्लीट। लेकिन बैलेंस शीट में हमें नहीं देखना चाहिए कि आप कैश लेके बैठो 50% से ज्यादा, मतलब उससे कम, मतलब 4 करोड़ चलेगा, 4.5 चलेगा। बात समझ में आ गई? पहला पैराग्राफ समझ में आया, यस और नो? दूसरा, इफ मोर देन, अगर मान लो है तो हमें एक भरोसा दो, हमें हमसे कमिटमेंट करो, हमसे कसम वादे करो। अगर मोर देन 50% नेट टेंजिबल एसेट क्या बच्चा आपका? मॉनेटरी एसेट ही है, कैश है आपके पास, तो हमें इश्यूअर, इश्यूअर मतलब हमारी कंपनी, कंपनी हमें कमिटमेंट करे। क्या कमिटमेंट करे? कि वो यूटिलाइज करेगी इस एक्सेस मॉनेटरी एसेट को। जो ये पैसा ज्यादा हो गया, मेरी मेरे बैलेंस शीट में 7 करोड़ दिख रहा था, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए था ना। तो बच्चा ये 2 करोड़ एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो प्लीज ये इश्यूअर हमें प्रॉमिस करे कि वो किस में पैसा लगाएगी? बिजनेस में ही लगाएगी। किस में लगाएगी बच्चा? प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी। तो इन शॉर्ट, कैश है तो भी चल जाएगा ना। सबसे पहले कैश तो नहीं होना चाहिए, अगर है तो एक कमिटमेंट, एक लेटर दो जिसमें हमें भरोसा दिलाओ कि भैया इसको यूज करने वाले हो तुम, तो प्रोजेक्ट में, बिजनेस में अभी रखा है, आपके प्लान से आपके प्रोजेक्ट हैं, हमें बताओ क्या प्लान से क्या प्रोजेक्ट, सब बताओ। समझ में आ रही बातें? द लिमिट ऑफ 50% इज नॉट अप्लाई। कब बच्चा? अगर आईपीओ में बस क्या है? नए शेयर है ही नहीं, सेकेंड हैंड शेयर का आईपीओ है। कंपनी के पास 5 करोड़ थे, कंपनी के पास ऑलरेडी 5 करोड़ थे, कंपनी को पैसे की कोई जरूरत नहीं है, सॉरी 10 करोड़। कंपनी के पास कितने हैं बच्चा? 10 करोड़। कंपनी को नए शेयर नहीं इशू करने, जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोल रहा है भैया मुझे अपना, प्रमोटर कह रहा है मुझे अपना बेचना है, आईपीओ लेके आ रहा है, लेकिन आईपीओ में फ्रेश इश्यू नहीं है, सारे के सारे पुराने हैं, तब ये 50% वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। मतलब किसमें एप्लीकेबल है? फ्रेश इश्यू में। क्या पहला पॉइंट समझ में आया? वापस एलिजिबिलिटी, लेकिन मैं इसको इतने बार रिवाइज करवाने वाली हूँ ना बच्चा, ये तो रट ही जाएंगे, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर इस चैप्टर का। कंपनी एलिजिबल तब होगी आईपीओ के लिए जब वो पिछले 3 साल से नेट टेंजिबल एसेट हर साल, मुझे पिछले 3 सालों में ईच ईयर 3 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़ दिखना चाहिए, कभी भी 3 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? और कैश मॉनिटरी एसेट कभी 50 से ज्यादा नहीं। अगर है तो कमिटमेंट करेगी कंपनी, हम इस प्रोजेक्ट में, इस बिजनेस में लगा रहे, ठीक है? लेकिन अगर आईपीओ, रुक जाओ, आईपीओ किसका आने वाला है? पुराने के शेयर का, तो 50 की कोई लिमिट है नहीं, तुम्हारा जो कैश है रखा हुआ है, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं।